हेलो एवरीवन, एसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आप जो स्क्रीन पे ब्लाउज बैक नेक डिजाइन देख रहे हो, उसी का हम कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। ब्लाउज का लंबाई 14.5 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्मोल की लंबाई 6 इंच, ब्लाउज का चौड़ाई 10.5 इंच। अब हम गले पे 2.5 इंच पे निशान लगाए, आप अपने अनुसार रख सकते हैं, ऊपर से 2.5 इंच, नीचे से 3 इंच। अब हमें इसे बॉक्स जैसे बना लेना है, इस तरह से। अब हम इस बॉक्स में मेट का गला डालेंगे डिजाइन। इस तरह से निशान लग चुका है, अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुका है, अब हम इसमें बकरम लगाएंगे। बकरम को 2 फोल्ड में रख लिए हैं। बकरम के ऊपर अस्तर को रखकर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान लग चुका है, अब 1 इंची मार्जिन देते हुए हमें पूरे गले पे निशान लगा लेना है, इस तरह से। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। इस तरफ से भी कटिंग कर लेना है। मेरा बकरम कटिंग हो चुका है इस तरह से। अब अस्तर के ऊपर बकरम को रखकर पिन से सेट कर लेंगे पूरे गले पे। कंप्लीट हो चुका है पिन द्वारा, अब हम इसे सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। धागा को कटिंग कर लेना है। बकरम के दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लेना है। अब पिन को निकाल लेना है। एक्स्ट्रा हो बकरम तो उसे कटिंग कर लेना है। अब कपड़े के ऊपर अस्तर को रखकर सेट कर लेंगे पिन से। दोनों तरफ से अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो उसे कटिंग कर लेना है। कटिंग हो चुका है, हम नेक पे छोटे छोटे कटिंग कर लेंगे। पिन को निकाल लेना है। अब हमें इसे पलटी कर लेना है, पलट देना है इस तरह से। पलटी हो चुका है, अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे फ्रिंसिंग के साथ। धागे को कटिंग कर लेना है। अब हमें इस पे सिलाई लगा लेना है, क्योंकि कपड़ा इधर उधर न जाने पाए, सिलाई से सेट हो जाए अच्छे से। इस तरह से पूरे कपड़े पे सिलाई लगा लेना है।
इस तरह से धागे को कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो उसे कटिंग कर लेना है। अब हम गोल्डन कपड़ा लिए हैं 1.5 इंच का। अब हम इसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए बीच में भी फोल्ड कर कर इस पे सिलाई लगा लेंगे। धागे को कटिंग कर लेना है। इस तरह से हम पूरे डोरी को सी लेंगे। इस तरह से मेरा डोरी कंप्लीट हो चुका है। धागे को कटिंग कर लेना है। अब हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसी बराबर ऐसे फोल्ड करते हुए पूरा डोरी को निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह पूरा फोल्ड हो चुका है। अब हम बीच में से कटिंग कर लेंगे इस तरह से दोनों तरफ से। कटिंग हो चुका है और अलग से भी मैं बनाया थी उसमें रख दिए हैं। अब हम डिजाइन के लिए 2 इंच 2 पॉइंट चौड़ाई, 2 इंच 2 पॉइंट लंबाई है, दोनों एक बराबर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। कटिंग कर लेना है इसे, इस तरह कपड़ा जो इसे कटिंग कर देना है। कटिंग हो चुका है। इस तरह से मावर बनाए थे उसमें रख लिए हैं। अब हम गले पे डोरी को जो बनाए थे डिजाइन के लिए उस पे रख कर गले पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक रखते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे गले पे लगा लेंगे डिजाइन को। अब हम दूसरी तरफ से भी उसे सेट कर लेंगे सिलाई लगाकर। दूसरी तरफ से भी हम पूरा सिलाई लगा लेंगे पूरे गले पे। इस तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा चुके हैं। धागे को कटिंग कर लेना है। अब हम इसमें जो डिजाइन एक और बनाए थे उस पे रख रख कर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे गले पे लगा लेंगे इस डिजाइन को। मेरा पूरा गले पे लग चुका है डिजाइन इस तरह से। अब हम इस पे लेस बैठाएंगे। इस पे हम लेस बैठाएंगे इस तरह से। इस पे लेस पर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से पूरा गले पे लेस लगा लेंगे। पूरा गले पे लेस लग चुका है। लेस के दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है ताकि लेस अच्छे से तरीके से बैठ जाए। अब हम दूसरी तरफ भी लेस बैठा लेंगे डिजाइन के तरफ। पूरे गले पे ये भी लग चुका है लेस। अब लेस की दूसरी तरफ भी इस पे भी सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों बीच बीच करते हुए दोनों तरफ के अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह से प्लेट्स लगा लेंगे 3.5 इंच का, धागे को कटिंग कर लेना है। दूसरे तरफ भी हम प्लेट्स लगा लेंगे 3.5 इंच का। इस तरह से अब हम इस पे अस्तर को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से 1 इंच का अस्तर लग चुका है। अब इसको पलट के भी इस पे सिलाई लगा लेना है। अब इसे फोल्ड करते हुए इस पे भी सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लग चुका है। अब हम इस पे भी लेस बैठा लेंगे। इस तरह से लेस बैठ चुका है। लेस के दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। अब हम लटकन बनाएंगे। होल्ड करते हुए बीच में डोरी रखकर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब इसे आराम आराम से पलटी कर लेना है। इस तरह से ये भी बना लेंगे फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है, आराम आराम से पलटी कर लेना है। दोनों मेरा डोरी तैयार हो गया। इस तरह से लगा लेना है। नीचे को डोरी रखते हुए इस पे सिलाई ऊपर से सिलाई लगा लेना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह। अब बंधन को बांध लेना है। अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। नए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें।